हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज मैं और एक नई जगह पे आया हूँ जो कि एक मंदिर है। हाँ, और गुवाहाटी में मंदिरों की कमी नहीं है। आप लोग को एक एक करके दिखाऊंगा कितने सारे मंदिर हैं। आज ये पहली मंदिर है जो मैं विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से मंदिर आना मुझे अलाउ नहीं था, क्योंकि हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गया था, तो इसके वजह से मुझे मंदिर आना अलाउ नहीं था। इसलिए बहुत दिन वेट करने के बाद मैं आज पहली बार एक मंदिर आया हूँ और आप लोग को दर्शन कराने जा रहा हूँ एक मंदिर। इस मंदिर का नाम है वशिष्ठ टेम्पल। तो इस जगह का नाम ही वशिष्ठ पड़ गया है और ये टेम्पल का एक्चुअली ओरिजिन है अहोम किंग जो है राजेश्वर सिन्हा, उसने ये टेम्पल बनाया 1751 से लेकर 1769 तक। उसके बाद का हिस्ट्री आपको आगे चलते हैं और बताते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। तब तक के लिए चलो, अभी मैं थोड़ी देर के लिए मतलब यहाँ पर बैठ गया था, थोड़ा मतलब सुकून सा माहौल है, हल्ला उल्ला नहीं है, तो मैं सोचा कि थोड़ा यहाँ पर आराम करूँ। मतलब आधे घंटे से मतलब यहाँ पर बैठ के मैं सब चीज देख रहा था। अभी मुझे जाना है, मुझे जाके आपको जो प्रसाद वसाद होता है वो उठा के लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया, तो अभी चलते हैं, चप्पल उतारते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या है मंदिर के अंदर। और हाँ, आप लोग को बताना भूल गया, ये आपका अलग अलग प्राइस का होता है, आप जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से दाम होता है। मैंने ये लिया है 100 रुपये का लिया, मतलब महंगा ही होता है थोड़ा, लेकिन यार मंदिर आ रहे तो चलो इतना चल जाता है। और मैंने जूता रख दिया उधर, तो जूते का होता है सिर्फ 5 रुपये, ज़्यादा नहीं होता है। अभी मैं चल रहा हूँ मंदिर के अंदर, देखते हैं अंदर क्या है, मुझे खुद पता नहीं, बहुत साल नहीं आया था मैं यहाँ पे, तो अभी अंदर चल के देखता हूँ क्या क्या है। ये मंदिर गुवाहाटी शहर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में स्थित है। माना जाता है कि ये एक आश्रम है और इस आश्रम का फाउंडर है द ग्रेट सेंट वशिष्ठ, और इसी आश्रम के अंदर ही ये शिव मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया है। तो मंदिर उस साइड है, मंदिर वहाँ पे अंदर है, तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो वापस शूट नहीं किया। अभी इसको वापस दे के आते हैं। तो उस कटोरी को मैं वापस करके आ गया। अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे बंदर बहुत है, तो आप लोग अपना सामान संभाल के रखना। इस मंदिर का सबसे अच्छा अट्रैक्शन ये वाला है, यहाँ पे 3 स्ट्रीम बहती है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ स्ट्रीम के बारे में, स्ट्रीम के बीच में जाके बताऊंगा आप लोग को। पहले मैं स्ट्रीम के अंदर जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे जाके थोड़ा पानी में पैर धो लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। चलो तब तक वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्ट्रीम दिखाई देंगे जिसको बोला जाता है संध्या, ललिता एंड कांता, और इन तीनों ट्रिब्यूटरीज का मीटअप पॉइंट को बोलते हैं अमृता कुंड, जहां पे वशिष्ठ मुनि योग करते थे। अभी जो आप लोग को दिख रहा है कि इतनी अच्छी स्ट्रीम है, इतना अच्छा वाटर फ्लो है, इतना अच्छा एकदम प्योर साफ पानी भी नहीं है, फिर भी बहुत मतलब ठीक ठाक साफ पानी है। लेकिन आप लोग को पता है ये पानी यहाँ से जाके आप लोग को मिलता है, ये पानी गुवाहाटी में जाके आपका बन जाता है भोरलो रिवर, जो कि कुछ दिनों पहले आप लोग को गुवाहाटी बाढ़ के वीडियो में आप लोग को दिखाया था, जो गुवाहाटी का जो नाला है वो इसी पानी से बन, यही पानी जाके भोरलो रिवर का फॉर्मेशन होता है। तो ये था एक छोटा सा विजिट वशिष्ठ टेम्पल पे। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, टेम्पल एक तो टेम्पल विजिट कर सकते हैं और आप लोग पानी में बैठ के चिल टाइम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मतलब धूप वूप कम पड़ता है, तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है। थोड़ा आगे जाएंगे तो और एक दो स्ट्रीम मिल जाएंगे आप लोग को, तो आइए कोशिश करिए आगे जाने के लिए, थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे आने का 2 रीज़न बताने जा रहा हूँ आप लोग को। तो पहली रीज़न तो ये है कि सिटी लाइफ से बहुत दूर है, बहुत दूर। आप लोग को यहाँ पे आने के लिए बहुत दूर आना पड़ता है, एकदम गुवाहाटी के एंड में है और इसके बगल इसके पास से आपका मेघालय बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और ये है पूरा फॉरेस्ट एरिया, आप लोग पीछे जैसे देख पा रहे हैं, कैमरा में आ रहा है कि नहीं पता नहीं, ये पूरा पीछे फॉरेस्ट एरिया है। तो हवा चलती रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छा फील होता है, थोड़ा मतलब लगता है कि थोड़ा अच्छे माहौल में आ गए। तो थोड़ा मतलब अपने को अकेले को टाइम लेना चाहते हैं या फैमिली के साथ आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मंदिर का आएगा कि किसी और का आएगा पता नहीं, लेकिन अगली वीडियो जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।